नोकिया का 130 का मोबाइल सॉफ्टवेयर कैसे करना है जिसकी आरएम 1035 है। तो ये हमारे पास बॉक्स है नोकिया बेस्ट, ये इन्फिनिटी का बॉक्स है, तो इससे हम सॉफ्टवेयर करेंगे। इसमें ये आरएम है जिसमें उर्दू भी है, और यानी कि 10 वाले में उर्दू है और 11 वाले में उर्दू नहीं है। और अगर आप ये वाला सेंटर वाला करेंगे तो या ऊपर वाला करेंगे, ये दोनों में उर्दू है। फिर फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक कर देना है और इसको फ्लैश के बटन को दबा देना है, आपका मोबाइल का सॉफ्टवेयर शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपने मोबाइल की बैटरी को डिसकनेक्ट कर देना है और फिर दोबारा से बैटरी को प्लग करके और हैश का बटन दबा के आपने पावर के केबल को लगा देना है, और हैश प्रेस कर कर ही आपने यूएसबी इसमें इंस्टॉल करनी है, उसके बगैर नहीं करनी। तो फिर ये आपका सॉफ्टवेयर ना रन करना शुरू हो जाएगा। मैं ये आपको दिखाता हूँ कि मैंने भी ऐसे ही किया है, और इसकी आपको मैं कॉम अभी चेक करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पीसी पे ये कॉम शो हो रही है, और इसके नोकिया के ये वाले ड्राइवर हैं, और ये नोकिया के ड्राइवर भी आपको सबसे पहले इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और अगर ये इंस्टॉल नहीं होंगे तो ये ड्राइवर नहीं उठाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। और एक और बात का ख्याल रखें कि जब भी मोबाइल का सॉफ्टवेयर करें, कोशिश करें कि ये सेम वर्जन हो या उसे अपग्रेड हो। अगर खुदा ना खासा आप डाउनग्रेड मारेंगे तो कोई फाइल करप्ट हो सकती है, कॉन्टैक्ट सर्विस पे ये मोबाइल जा सकता है, और भी कोई मसले हो सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर करें, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मैं आपके लिए ऐसे ही ट्यूटोरियल और भी लेता आऊँगा जिसमें आपको हम हर सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे कि आपने इस मोबाइल का सॉफ्टवेयर कैसे करना है, नोकिया का, सैमसंग का, वावे का, वाइस का, और अदर जितने भी मोबाइल हैं, HTC वगैरह, आईफोन, सब के बारे में आपको बताएंगे कि आपने इन सब का सॉफ्टवेयर किस तरीके से करना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अपना और अपने घर वालों का सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।